हाजिर आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आइए एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा ले चलते, जहां पर सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते, अपडेट कर देते हैं कि बीजेपी ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया है। हंगामे के आसरात लगातार जिस तरह से बताए जा रहे थे ठीक वही, और यहाँ पे अजीत जोगी भी सदन में कुछ बोल रहे थे, उसके बाद उन्होंने भी यहाँ से सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया है। यहाँ पे राज्यपाल अनुसुईया उइके का आपको बता दें कि अभिभाषण चल रहा है, सीधी तो बनने के रूप में दर्ज हुई है। आज इस विधानसभा में आने का मेरा पहला अवसर है, जिसकी सुगत अनुभूतियाँ मुझे भावुक भी कर रही है और एक नई ऊर्जा से उर्जित भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर जानकारी के लिए सहयोगी आशीष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, सदन की कार्यवाही जिस तरह से हंगामेदार होने के आसरात थे ठीक वैसे ही हुआ, बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया और राज्यपाल का भी भाषण चल रहा है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के संसद इतिहास की पहली बड़ी घटना मानी जानी चाहिए, क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर समूचे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और जिस तरीके से विपक्ष की नाराजगी जो देखने को मिली है, वो नाराजगी पहले भी बीजेपी ने दर्ज कराई थी। राजभवन पहुंचकर स्पीकर से मिलकर, और नाराजगी की वजह यही थी कि राज्यपाल का अभिभाषण दो सत्रों में समाहित किया जा रहा है और ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। और आज जैसे कि राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होना था, बीजेपी ने अभिभाषण का यह कहते हुए बहिष्कार किया कि इस गलत परंपरा का बीजेपी विधायक दल साक्षी नहीं बनना चाहेगा, और ये कहते हुए बीजेपी के तमाम सदस्य सदन से बाहर चले गए, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। और इसका ही समर्थन करते हैं कि जेसीसी के विधायकों ने भी राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया है। और छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास की एक बड़ी घटना के तौर पर आज का दिन दर्ज हुआ है। क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहाँ पे पूरे समूचे विपक्ष के द्वारा की गई है, क्योंकि जिस तरह से आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहली मर्तबा ऐसा छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इस कालखंड को देखा जा रहा है और देखा जाएगा, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? बीजेपी का विरोध आज के इस दिन पर दर्ज हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जिन हालातों में विशेष सत्र का आयोजन पिछली सरकार कर रही थी कि एसटीएससी में आरक्षण का जो प्रतिशत जो वर्ष थे 10 साल की अवधि को बढ़ाने का जो अनुसमर्थन किया जाना था, चूंकि इसके लेकर बीजेपी की आपत्ति नहीं थी, बीजेपी की आपत्ति राज्यपाल के अभिभाषण के मुद्दों को लेकर थी। और आपत्ति की एक बड़ी वजह यही थी कि अभिभाषण दो सत्रों में नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण खत्म हो गया, उन्होंने अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? था, और जिस तरीके से हम पहले चर्चा कर रहे थे कि संक्षिप्त अभिभाषण ही विशेष सत्र के दौरान कराया जाएगा, और
जो विस्तृत अभिभाषण होगा वो आगामी बजट सत्र के दौरान होगा, लेकिन जो दुविधा की स्थिति बनी है, जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत बीजेपी जिस बात को लेकर लगातार राज्यपाल से स्पीकर से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज करती रही है, वही नाराजगियां सदन के भीतर बतौर विपक्षी पार्टी देखने को मिली है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास का जो हम जिक्र कर रहे थे कि ये पहला मौका होगा जब राज्यपाल के अभिभाषण का विपक्ष ने इस तरीके से बहिष्कार किया है, ये छत्तीसगढ़ घटना तो है ही, बड़ी घटना के तौर पर ये इतिहास में दर्ज निश्चित तौर पर होगा। जी बिल्कुल, वाकई में बड़ी घटना के तौर पर इतिहास में तो दर्ज किया ही जाएगा, क्योंकि अपने आप में ये एक पहला ऐसा मामला है। और साथ ही बीजेपी को इस बात से भी दिक्कत थी कि सदन का जो सत्र है वो बेहद ही अल्प मत का है, तो आपने वॉकआउट कर दिया है, जो थोड़ा बहुत समय था आपने वो भी गवा दिया। देखिए, बीजेपी की आपत्ति पर यहाँ पर गौर करना चाहिए। दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश की थी, वो मुद्दा ये था कि एक दिन के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पेश करने के बाद जो विपक्ष के सदस्य होते हैं वो उन पर अपना संशोधन देते हैं, और संशोधन का परीक्षण विधानसभा सचिवालय के स्तर पर होता है, और सचिवालय इस पर संशोधन देने के ठीक बाद इसकी बुकलेट छपवाता है, और उस पर चर्चा की तारीख मुकर्रर होती है कि किस दिन इन संशोधनों पर चर्चा होनी है। क्योंकि अभिभाषण आज हुआ, ऐसे में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव भी आज ही सदन पर लाना था, इस पर चर्चा होनी थी, और आज 126वें संविधान संशोधन पर क्योंकि बड़ी बहस सदन में होनी है, इसका अनुसमर्थन यहाँ पर किया जाना है, तो ऐसे में अभिभाषण की कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा और संशोधन पर चर्चा लगभग लगभग मुश्किल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल वाकई में, और ऐसे ही विपक्ष ने आपत्ति बनाकर अपना विरोध दर्ज किया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।